हेलो हेलो हाँ अयोध्या चलिए सो बच्चा स्टार्ट करेंगे वी वुड स्टार्ट सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर अगर आपको याद हो कल हमारी चाय पकोड़े की दुकान खुल गई थी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई थी उस दुकान की कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई थी जोमेटो की तरफ फंडिंग वंडिंग मिल गई थी सारे लोग आ गए थे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में रुचि दिखा रहे थे और हम लोगों ने आईपीओ के पेपर भी डाल दिए थे येस और नो चलिए बच्चों सो आज का डिस्कशन जो है जो उस दिन हमारा डिस्कशन था वी वुड कंटिन्यू सो आई थिंक एवरी वन इज हियर यूट्यूब लाइव पे भी सब लोग आ चुके हैं चलिए तो मैं आज की क्लास शुरू करूंगा बच्चों विथ चलिए तो स्टार्ट करेंगे नाउ सो so, तो बच्चों कल जो हमने डिस्कशन किया था अगर आपको याद हो काफी कुछ हमने डिस्कशन किया हमने सबसे पहले बात करी सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के बारे में इफ यू रिमेंबर कि भाई सबसे पहले इजी एकदम इजी वे में अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है इजी वे में स्टार्ट करना है कोई लीगल फॉर्मैलिटीज का आपको झमेला नहीं चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इज आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न बना दीजिए व्हाट यू कैन डू इज फॉर्म अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न पॉइंट नंबर वन लेकिन सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी आपको फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है दूसरा आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस भी नहीं मिलता सो वॉट रेमेडी यू हैव बेटा आपके पास रेमेडी क्या है आपके पास वॉट रेमेडी यू हैव आपके पास सोल्यूशन क्या है आपके सोल्यूशन ये है कि भाई आप पार्टनरशिप रजिस्टर कर लीजिए पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू के हिसाब से रजिस्टर अ पार्टनरशिप ये हमने एक आपको सीन बताया उसके बाद, उसके बाद बाद थर्ड चीज आप क्या कर सकते हैं पार्टनरशिप हमारी हो गई थी उसके बाद हम लोगों को एक फैंटेसी मॉल में एक दुकान खरीदनी थी हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम लोगों ने कुछ सौ लोगों को कितने लोगों को हम लोगों ने सौ लोगों को क्या किया अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाया हम लोगों ने एक लिमिटेड लाइबिलिटी कौन सी फर्म बनाई बच्चों वी अ लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म इफ यू रिमेंबर लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म के बहुत सारे हमको क्या मिले फायदे मिले एक ही हमको डिसएडवांटेज मिला क्या डिसएडवांटेज था कि यार पब्लिक से ना हम पैसे नहीं ले सकते थे राइट तो ये हम लोगों ने एक चीज देखी उसके बाद बच्चों उसके बाद उसके बाद कुछ किया था एल एलपी के बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली थी ये yes, कंपनी हमने पहले प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट की लेकिन प्राइवेट कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या थी Private company जो है वो public से पैसे नहीं ले सकती private company जो है वो अपना लेके नहीं आ सकती। लेकिन private company को advantage बहुत private company को 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 बहुत है। है? का 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 क्या मिलता मिलता में रख दो। सब कुछ है बट वो जो है प्राइवेट कंपनी जो है फंडिंग कितने लोगों से ले सकती है मैक्सिमम 200 लोगों से और वो पब्लिक इश्यू अपने shares का अपने शेयर्स पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकती किसी भी तरीके से प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती राइट तो ये चीज भी हम लोगों ने पढ़ी नाउ अगर आपको याद हो कल मैं नोट से आपको पढ़ा रहा था और कल मैंने आपको क्या पढ़वाया सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न पढ़वाया ठीक है चलिए बच्चों सो मैं आज का डिस्कशन जो है मैं अपना कंटिन्यू करूंगा नाउ प्लीज ध्यान से देखिए सो बच्चों कल याद होगा तो कल की जो कहानी थी हम लोगों ने क्या बना ली थी एक एक हमारी पब्लिक कंपनी बन गई थी और हम लोग किसके लिए तैयार थे हम लोग आईपीओ के लिए क्या थे तैयार थे ये नो पब्लिक कंपनी हमारी एकदम बेहतरीन तरीके से पब्लिक कंपनी हमारी बन चुकी थी एंड वी वर रेडी फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग व्हाट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वी ऑफर आवर शेयर्स टू दब्लिक हम अपने शेयर्स किसको को ऑफर करते हैं बच्चों हम अपने शेयर को ऑफर करते हैं किसको ऑफर करते हैं पब्लिक को ऑफर करते हैं प्लस हम अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में कहां पे बच्चों कहाचेंज में हम अपने शेयर्स को क्या करवाते हैं लिस्ट करवाते हैं अगर आपको याद हो तो यस यस ठीक है तो बच्चों अगर आपको याद हो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी नाव टू मी अब क्या करना है अब बच्चों ध्यान से देखिए इस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था कंपनी हमारी पब्लिक कंपनी जो है वो हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अब लिस्ट हो चुकी है अब बच्चों ध्यान से देखिए। अब बच्चों कौन कौन था इस कंपनी में इस कंपनी के शेयर होल्डर कौन थे हम गुरुजी थे अगर आपको याद हो कल की कहानी हम गुरुजी थे दुष्यंत जैन था हमारा नाम और हमारे साथ था पुष्पू अब बच्चों कंपनी दस परसेंट शेयर होल्डिंग मेरे पास थी दस परसेंट शेयर होल्डिंग पुष्पू के पास थी रतन टाटा एज वाला तीस परसेंट शेयर थे दस दस परसेंट इनके पास थे इंडियन पब्लिक पब्लिक इश्यू पब्लिक के पास कितने परसेंट शेयर थे पचास परसेंट शेयर थे ठीक है एक दिन पुष्पराज के पापा का फोन आया मुंबई में रहते और हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए हम लोगों ने अपना गांव हमीरपुर जो था वो छोड़ दिया है और मुंबई में हम लोगों ने अपनी कंपनी का क्या बनाया है कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया और हम लोग मुंबई में ही हैं क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर से कम्युनिकेट करना और बाकी की चीजें मुंबई से काफी आसानी से हो जाती है टेक्नोलॉजी मुंबई में काफी अच्छी मिल जाती है क्योंकि हम लोगों को अब ऐप वगैरह लॉन्च करना है लेकिन पुष्पराज के पापा का एक इमोशनल फोन आया आया एक दिन कि कितने दिन वहां रहोगे मजा आता है का माँ के हाथ के रोटी का याद आता है तुम दुनिया भर का विकास कर लिए हो बट तुमको अपने गांव की विकास का चिंता नहीं है यहां किसान लोग मर रहा है और तुम साला वहां मस्ती मार रहे है कुछ जिम्मेदारी है नैतिक जिम्मेदारी का एहसास है तुम्हें जल्दी आओ वापस तो बच्चों पुष्प बेचारा बड़ा टेंशन में आ गया मुझे बोलता है कि दुष्यंत सर ऐसी ऐसी बात है गुरुजी मैंने बोला यार पिताजी का बात तो सही है हम लोग इतना तरक्की कर लिए जीवन में हमें अपने गांव का भी ध्यान देना चाहिए तो बच्चों हम लोगों ने अपना जो 10 10 परसेंट स्टेक था हम प्रमोटर्स थे प्रमोटर्स थे और कंपनी बने तीन चार साल हो गए हम लोगों ने ये अपना 10 टेन परसेंट स्टेक क्या कर दिया कंपनी में जो हिस्सा था उसको क्या कर दिया सेल कर दिया हमारी कंपनी जो वैल्यूएशन है हमारी कंपनी का वैल्यूएशन छह करोड़ का था तो हमने बीस बेचा तो हमको कितना मिल गया बारह सौ करोड़ रुपए मिल गया बारह सौ करोड़ रुपए पुष्पराज के बैंक अकाउंट में जमा हो गया बारह सौ करोड़ मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो गया और बच्चों हम बच्चों हम हम लोग लोग वहां वहां से से क्या किए बाहर निकल गए कंपनी में अब हमारा स्टेक क्या हो गया जीरो परसेंट हो गया और बच्चों ये पूरा जिस दिन से पुष्पराज के पापा ने घर से निकाला था आज उस चीज को कितने साल हो गए पुष्पराज का एज थर्टी फाइव है मेरा एज फोर्टी है और बच्चों हम लोग अपने गांव आके हमने बोला कि अब हम कुछ तो अच्छा करेंगे सबके विकास के लिए काम करेंगे गांव के विकास के लिए काम करेंगे जमीनी स्तर पे हम लोगों से जुड़ेंगे हम तो कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे तो बच्चों हम लोगों ने देखा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो गांव में हो रही थी वो किसको हो रही थी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो किसान लोगों को हो रही थी बच्चों ज्यादा प्रॉब्लम मोस्ट अफेक्टेड पीपल मोस्ट पुअर पीपल हमारे जो हमीरपुर का शहर था उस शहर में और उसके आसपास के जो एरिया है वहां पे सबसे गरीब लोग जो थे वो कौन थे बच्चों किसान थे तो हमने बोला कि नहीं यार पुष्पराज और मैंने बोला कि नहीं अब किसानों के लिए कुछ करना पड़ेगा ठीक है पुष्पराज के पास एक एकड़ जमीन थी जो उसके पिताजी की थी पिताजी ने पुष्पराज को दे दिया मेरे पास भी एक एकड़ जमीन थी हम दोनों के पास क्या थी एक एक एकड़ जमीन थी और गांव में छोटे छोटे किसान थे कम से कम 200 किसान थे ठीक है? 200 किसान गांव वाले थे और दो हम दोनों भी किसान थे तो हम टोटल कितने किसान हो गए 202 किसान हो गए टोटल so, 202 किसान हो गए ने मिलकर अब हम लोगों ने क्या किया बच्चों? अब हम लोगों ने बोला कि नहीं यार अब तो हमको कुछ अलग करना है तो पुष्पराज ने और मैंने सब किसानों को एक दिन बोला हम लोग इज्जत बहुत ज्यादा हो गया था गांव में क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर क्रिएट करके एस्टैब्लिश किया हुआ था गांव में दो सौ दो किसान इकट्ठे हुए और हमने कहा कि तुम सब लोग अलग अलग खेती किसानी करते हो राइट बेटा तुम बंसीलाल तुम अपना सामान किसको बेचते हो जो खेत से पैदा होता है उसको तुम किसको बेचते हो तो बोलते हैं हम आ, इसको बेचते हैं हम मुन्नी दुकानदार को बेचते हैं बेटा तुम किसको बेचते हो बच्चों सब लोगों सब लोग जो ये 200 लोग हैं अलग अलग लोगों को अपनी पैदावार बेचते हैं मैंने बोला बेटा बीज कहां से खरीदते हो पेस्टिसाइड्स कहां से खरीदते हो ये कहां से खरीदते हो गाय वगैरह पालते हो तो दूध का क्या करते हो अलग अलग जाके दूध भी होटल में बेच देते हो मतलब कुल मिला ना तुम जो किसान लोग हो वो संगठित नहीं हो क्या नहीं हो संगठित नहीं हो और इसलिए तुम सारे लोग बर्बाद हो आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर एक किसान बीज खरीदता है दस रुपए किलो में मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं मुझे नहीं पता रेट क्या है एक किसान अगर बीज खरीद रहा है कितने रुपए किलो में दस रुपए किलो में बीज खरीद रहा है और कितने किलो बीज खरीदते हैं दो किलो अगर उसी दुकान पे दो सौ किसान मिलकर जाएं और बोलें कि हमको दो किलो बीज दो नहीं सॉरी दो किलो एक किसान का ना मतलब चार सौ के जी बीज खरीदना है तो क्या ये दस रुपए का रेट सात रुपए नहीं हो सकता क्या हम कलेक्टिवली बार्गेन नहीं कर सकते तुमको अगर अनाज बेचना है तुम एक टन अनाज बेचते हो सौ रुपए पर केजी में अगर 200 किसान इकट्ठे हो जाएं, तो 200 किसान 200 टन अनाज बेचेंगे मिलके। क्या हम बोल नहीं सकते कि हमको एक सौ दस रुपए पर केजी में बेचना है जो अनाज हमें बेचना है वो कितने रुपए पर केजी में बेचना है दो सौ एक सौ दस रुपये के जी बेचना है सामने वाला बोलेगा नहीं खरीदना है तो हम बोलेंगे ठीक है मत खरीद हम कहीं और जाके बेच देंगे हम किसी राइस मिल वाले को बेच देंगे ये yes सुनो no? और सबसे बड़ी बात हम सारे लोग जो खेती करते हैं दो सौ एकड़ की जमीन में खेती करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है दो सौ एकड़ की जमीन में ये बीच में मेड़ पता है ना ये पार्टीशन जो होता है दो खेत के बीच में इसके चक्कर में बहुत सारी जमीन व्यर्थ हो जाती है अपन क्या करते हैं ये मेड़ों को हटा देते हैं और पूरा खेतों को क्या बना देते हैं ग्राउंड बना देते हैं या एक एक एक, एक बिना, का, बिना पार्टीशन का हम खेत बनाते हैं और यहां पे हम एक साथ खेती करेंगे एक किसान का एक एकड़ जमीन है टोटल कितने किसान है हम लोग दो सौ किसान मान लो ठीक है टोटल कितने किसान है हम लोग दो सौ किसान है हर एक किसान को क्या करेंगे हर एक किसान को एक एकड़ के ऊपर एक एकड़ के ऊपर क्या देंगे एक शेयर दे देंगे पॉइंट तो हम से हम सब मिलके खेती करेंगे एक साथ बीज खरीदेंगे एक साथ सब चीजें करेंगे एक साथ और डोंट यू थिंक सो यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा और सेल करेंगे सेल करके जितना पैसा जो भी प्रॉफिट होगा वो सब लोग मिलके क्या कर लेंगे बांट लेंगे अच्छा मुझे बताइए क्या हमारा मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है या जो हमारे मेंबर्स हैं जितने लोग हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं उनको सर्विस देना है क्या हमारे इकट्ठे होने का जो सोल मकसद है पुष्पराज जो हमारे इकट्ठे होने का एकमात्र मध्य मकसद है जो हमारे इकट्ठे होने का एकमात्र उद्देश्य है वो क्या है प्रॉफिट कमाना या जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं मेरे और पुष्पराज के साथ 200 लोग जुड़े हुए हैं उन सबको अच्छी बेहतर सर्विस देना है क्या है हमारा मकसद बच्चों सर्विस प्रोवाइड करना हमारा मुख्य मकसद है बच्चों क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये सच में किया जाए ये जो प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूं ये हर गांव में इम्प्लीमेंट किया जाए तो कुछ बहुत बड़ा हो सकता है हाँ या ना बच्चों ऐसे ही आपको पता होगा बहुत सारे दूध वाले बहुत सारे दूध वाले क्या हुए इकट्ठे हुए एक साथ दूध निकाला पूरा दूध क्या किया इकट्ठा किया और उसको बेचना कलेक्टिवली बेचना शुरू किया और उनका मोमेंट कहलाता है आज अमूल अमूल इज अमूल इज अंपनी अमूल इज कंपनी, बट अमूल मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी ये क्या करती है बच्चों ये दूध वालों की यूनियन है ठीक है तो ये पूरा दूध प्रोड्यूस करती है और ये पूरा दूध प्रोड्यूस करके किसको बेच देती है अमूल को बेच देती है so, बच्चों जो मैं और पुष्पराज कर रहे हैं बाकी के किसानों के साथ क्या आपको नहीं लगता है? हम लोग कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं हा या ना डोंट यू थिंक सो वी आर वर्किंग ऑन व्हाट वी आर वर्किंग बच्चों हम लोग कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पर काम कर रहे हैं कैन आई से हम लोग क्या बनाए क्या बन गए हैं बच्चों वी आर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हम कंपनी नहीं है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के भले के लिए काम करती है कंपनी कोई बिजनेस एक्टिविटी करती है कंपनी हार्ड कोर बिजनेस करती है हम हार्ड कोर बिजनेस नहीं कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ अपने मेंबर्स की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं कोऑपरेटिव और बच्चों एक मिनट कंपनी क्या कंपनी में हर एक शेयर होल्डर कंपनी के बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है कंपनी में हर एक शेयर होल्डर बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं मैं जियो की सिम बेचता हूं क्या क्या कंपनी में क्या कंपनी में हर एक शेयर होल्डर बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है नहीं करता बट हम लोग जो 200 लोगों की सोसाइटी है क्या वो पूरे 200 के 200 किसान मेहनत करते हैं एक साथ 200 के 200 किसान अपने सारे भेदभाव भूलकर एक साथ काम करते हैं खेत में फसल लगाते हैं सब इकट्ठा अलग अलग कोई काम नहीं करता कि मेरे एक एकड़ के लिए मेहनत करूंगा एवरी वन वर्क फॉर एवरी वन वर्क कलेक्टिवली गेटिंग माई पॉइंट इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी इज दट क्लियर नाउ तो क्या आपको नहीं लगता सोसाइटी बनाना बहुत अच्छा है हा या ना बच्चो डोंट यू थिंक सो इट्स लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी आप कब बनाएंगे जब आपको आपका मेन मकसद क्या है आप सर्विस टू द मेंबर्स नंबर वन नंबर टू नंबर टू एवरी मेंबर विल कॉन्ट्रीब्यूट हर एक मेंबर क्या करेगा इन बिजनेस एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटी में हर एक में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ठीक है लेकिन एक चीज याद रखना कंपनीज एक्ट रिकेग्नाइज नहीं करती है कंपनीज एक्ट बोलती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है कंपनीज एक्ट डज नॉट रिकेगनाइज कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ पर्सन एज एन आर्टिफिशियल पर्सन रिकेग्नाइज नहीं करती बट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट क्या बोलता है कि अगर कोई सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर क्या है कोई यस yes, अगर एक सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के अंदर क्या है रजिस्टर्ड है तो उसको क्या मिलता है सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस मिलता है और एक चीज बताइए सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस आ गया तो जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई या अनलिमिटेड हो गई सबकी लाइबिलिटी क्या हो गई लिमिटेड हो गई अब कंपनीज है क्या मानती है क्या नहीं मानती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ओके okay. सो so, बच्चों तो जब आप बहुत पे, बहुत लार्ज लार्ज स्केल स्केल पे पे लोगों को क्या करना चाहते हैं हर एक मेंबर बिजनेस में पार्टिसिपेट uh, करेगा हर एक मेंबर क्या करेगा बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा सो वॉट यू कैन फॉर्म यू कैन फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अब बच्चों ध्यान देखिए बेसिकली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या हमारे पार्लियामेंट ने ब्रिटिश इंडिपेंडेंस के पहले बच्चों आपको पता है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तीन लिस्ट है डू यू नो स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट तीन लिस्ट है स्टेट लिस्ट में जो मैटर है उनके ऊपर लॉ कौन बनाता है पुष्पराज स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उसके ऊपर लॉ कौन बनाता है स्टेट लेजिस्लेचर राइट यूनियन लिस्ट में जो मैटर है उसके ऊपर लॉ कौन बनाता है पार्लियामेंट और कॉन्ग्रेंट लिस्ट में दोनों लॉ बनाते हैं ठीक है थीके? अपने अपने अधिकार क्षेत्र में दोनों लॉ बनाते हैं सो so, बच्चों ये सोसाइटी जो है सोसाइटी जो है वो क्या है दैट इज दिनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन भी मानता है कि सोसाइटी जो है वो क्या है अन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है और अन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है स्टेट लेजिस्लेचर के पास इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है पार्लियामेंट के पास जैसे कि कंपनी एलएलपी ये क्या है बच्चों कंपनी और एलएलपी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन तो इसके ऊपर लॉ कौन बनाता है पार्लियामेंट बनाता है ठीक है इसलिए बच्चों पूरे इंडिया में कंपनीज एक्ट एक ही जैसा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ने बनाया बट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो लॉ है वो क्या है बच्चों वो हर एक स्टेट येस कोऑपरेटिव सोसाइटी चूंकि कोऑपरेटिव uh, सोसाइटीज हो गई ये क्या है बच्चों अन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर हर एक स्टेट में क्या है बच्चों अब जैसे पार्टनरशिप एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप इज आल्सो एन अन इनकॉरपोरेटेड एसोसिएशन लेकिन दिक्कत ये अच्छी बात यह है कि पार्टनरशिप एक्ट अंग्रेजों ने जो बनाया है वही है लेकिन इंप्लीमेंट कौन करता है उसको स्टेट गवर्नमेंट तो इसलिए आप इसलिए आप देखना भले ही आपकी पार्टनरशिप हम हमारी महाराष्ट्र में है हम पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू फॉलो भी करते हैं लेकिन हमारा रजिस्टर ऑफ फर्म कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है स्टेट गवर्नमेंट वाला है स्टेट गवर्नमेंट लेकिन तो बच्चों हर एक स्टेट ने अपना पार्टनरशिप एक्ट अलग से बनाया नहीं है वो ब्रिटिशर्स वाला ही फॉलो करते हैं लेकिन बच्चों महाराष्ट्र है गुजरात है अलग अलग स्टेट्स ने क्या किया है अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट बनाया हुआ है ठीक है जैसे ब्रिटिश जो ब्रिटिश की सरकार थी ब्रिटेन की सरकार थी जब वो इंडिया के राज करती थी तो उन्होंने एक का बना हुआ है एटीन का लेकिन यह कब बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होने के पहले ही बने हुए तो अगर आपके स्टेट में अगर आप जिस स्टेट में है उस स्टेट में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है तो आपको क्या करना है अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को उस एक्ट के अंदर क्या करना है रजिस्टर करना है। लेकिन आपके स्टेट में अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट नहीं बनाया तो तो 1912 के के एक्ट अंदर आप क्या कर सकते हो अपने आप को क्या कर सकते हो रजिस्टर कर सकते हो इज दैट क्लियर तो बच्चों तो मैंने और पुष्पराज ने क्या बना ली बच्चों वट आई एंड पुष्पराज है और पुष्पराज ने मिलकर क्या बना ली है एक ऑपरेटिव क्लियर टू एवरी वन अच्छा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का परपिचुअल होता है नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर होता है स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्ट हैिटी ये और बच्चों याद रखिए को ऑपरेटिव सोसाइटी सेम कंपनी की तरह काम करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी मेमोरेंडम आर्टिकल्स होते हैं सब कुछ सेम होता है कंपनी जैसा ही होता है बट ये सेपरेट कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं होती और इसमें क्या होता है ये अपने मेंबर्स के फायदे के लिए काम करती है और हर मेंबर इसके बिजनेस में क्या करता है कोऑपरेट करता है या कंट्रीब्यूट uh, करता है इज दैट क्लियर तो मैंने और पुष्पराज ने हम लोगों ने क्या फॉर्म कर ली है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या फायदा होगा हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कौन सी है इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी इसी प्रकार से बहुत सारी अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती हैं, ठीक है थीके? अच्छा ही, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी एक और इसमें थोड़ा सा मैं नेचर चेंज कर दूंगा सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बच्चों अलग अलग टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं जैसे कि फार्मिंग फार्मिंग में कौन इकट्ठा होता है किसान उसके बाद एक भी एक होती है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है हाँ इसमें क्या होता है फार्मिंग जैसे ही होता है बट इसमें खेती नहीं करते खेती के बाद खेती के बाद फॉर एग्जाम्पल आप एक नई सोसाइटी बना लो मान लो इसमें चालीस पचास प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स मतलब कोई फल पैदा करता किसी के यहां फल होते हैं किसी के यहां सब्जियां होती हैं किसी के यहां हनी होता है किसी के यहां मिल्क होता है तो इसमें क्या होता है प्रोड्यूसर जो होते हैं कौन होते हैं बच्चों जो प्रोड्यूसर्स इकट्ठे होते हैं सारा सामान जिसने जो जो प्रोड्यूस किया वो सब क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं और पूरा सामान क्या करते हैं साथ में क्या करते हैं सेल करते हैं और जो बेनिफिट्स आता है आपने जितना जितना प्रोड्यूस किया था आपने जितना 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 कॉन्ट्रीब्यूट किया था उसके हिसाब से आपको क्या मिल जाता है पैसे मिल जाते हैं सोसाइटी फॉर्म करने का फायदा बहुत है ना अगर आपको लोन चाहिए तो आपको लोन कौन दे देता है सोसाइटी के पास रिजर्व भी होते हैं ना सोसाइटी आपको पूरा पैसा नहीं देती ना आपको सोसाइटी कुछ रिजर्व बचा के रखती है उससे आपको लोन मिल जाता है फिर सोसाइटी आपके लिए सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाती है कि आप अपना आ, आप अपना आपको ट्रेनिंग वगैरह देती है आपका नॉलेज बढ़वाती है तो सोसाइटी बनाना अमेरिका में मैं आपको बता दूं 99% परसेंट जो फार्मिंग होती है 99% परसेंट सोसाइटी के थ्रू होती है बच्चों इतनी सारी जमीन को हम क्या करते हैं इंडिया में वेस्ट करते हैं कि मैं आपको क्या बोलू क्यों तो क्या हाँ क्या तो कोई दिक्कत नहीं है मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है चलिए ना तो बच्चों ध्यान से देखिए सो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं तो मैं बोल रहा था यूएस में यूएस में 99% नाइन परसेंट ऑफ द फार्मिंग इज रन थ्रू अब इंडिया में बच्चों हम लोग इतनी लैंड वेस्ट कर देते हैं इतनी लैंड वेस्ट कर देते हैं कि मैं क्या बताऊं मैं तो बता रहा हूं ना ये एक खेत है रामलाल का ये एक खेत है श्यामलाल का उसके बगल में क्या है ये पार्टीशन होता है देखना दो खेतों के बीच में मेड़ बोलते हैं इसको हिंदी में बच्चों इसमें कितनी लैंड बर्बाद होती है बहुत सारी लैंड इसमें बर्बाद होती है उसके ऊपर ये इतने बेकार लोग होते हैं यहां पे इसके ऊपर पेड़ भी नहीं लगाते कम से कम इसके ऊपर एक आम का पेड़ लगा दो नहीं उसके ऊपर भी डिस्प्यूट होता है ना कि आम किसको मिलेगा इसलिए वो पेड़ लगाते हैं डिस्प्यूट होने के बाद पेड़ काट भी देते हैं छोड़ मतलब देर इज अ प्रॉब्लम ना कि एक किसान रात को आता है तो बच्चों कहना इसे बहुत अच्छा होगा कि अगर इंडिया में भी क्या हो सके इंडिया में देखिए मिल्क में कोऑपरेटिव मूवमेंट आया था अमूल के जरिए और आपको पता है अमूल वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट डेयरी है फर्स्ट इज डेनॉन मेरे ख्याल से अगर फर्स्ट की बात करूं तो जर्मनी या फ्रांस की डेनॉन है सेकंड पे अमूल है डोंट यू थिंक सो इंडिया में एक फार्मिंग कोऑपरेटिव मूवमेंट भी आना कोऑपरेटिव हो गई तीसरी कंज्यूमर कोऑपरेटिव नाउ व्हाट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव बच्चों एक लड़के का मुझे तीन चार दिन पहले मैसेज आया कि दुष्यंत सर आ, हम चालीस लोग हैं वी आर फोर्टी पीपल हमको आपके यहां पे क्या लेना है एडमिशन लेना है व्हाट इज द फीस मैंने बोला भाई देख हमारा इतना इतना ऑफर है तू इस ऑफर में ले ले उससे कम और क्या होगा उससे कम कुछ हो ही नहीं सकता जो हमारे साइड से बेस्ट था वो हमने दे दिया इससे कम में तेरे को पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा जितने हमारे लेक्चर्स का कंटेंट है जितना ये है जितना वो है यू वोंट गेट थ्रू आउट इंडिया बोलता नहीं सर मैं हम 40 लोग हैं सो व्हाट मोर डिस्काउंट यू कैन ऑफर मैंने बोला भाई एक चवन्नी भी कम नहीं होगी मैंने बोला तुम मोदी से भी लिखवा के लिया तो भी एक रुपया कम नहीं करूंगा मैं ओके सर हम कहीं और देख लेंगे मैंने बोला बिल्कुल देख ले भाई कोई दिक्कत नहीं सो व्हाट दिस पर्सन बच्चों ये लड़का भले ही छोटा सा है क्लियर किया था ट्वेल्थ के भी अतिपति पते नहीं अभी सो so भले ये बंदा जो था ये जो लड़का था बट बच्चों इसको अभी से समझ में आ गया है कि वॉट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी सो जब बहुत सारे कस्टमर जब बहुत सारे कस्टमर्स क्या होते हैं इकट्ठे आते हैं अपने अधिकारों के लिए क्या कर सकते हैं वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जब बहुत सारे कंज्यूमर इकट्ठे होते हैं अपने अधिकारों को लड़ने के लिए इकट्ठे होते हैं व्हाट दे कैन डू इज बच्चों वो फॉर्म कर सकते हैं क्या फॉर्म कर सकते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव जैसे कि मैं आपको बताता हूं एक मुंबई में चलता है बच्चों मुंबई में आप अगर कोई मुंबई का है तो अपना बाजार और पुणे में चलता है ग्राहक पेट क्या चलता है बच्चों मुंबई में क्या चलता है बच्चों अपना बाजार बहुत फेमस शॉप्स हैं बच्चों मुंबई में अभी तो बहुत कम हो गई बट एक टाइम पे बहुत ट्रेंड में थी मुंबई में चलता है अपना बाजार पुणे में चलता है ग्राहक पेट और ऐसी बहुत सारी हैं ये क्या करते हैं बच्चों ये सोसाइटी है मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई गुजराती फैमिली थी वो एक बिल्डिंग में रहती थी बिल्डिंग में छः सात लोग रहते थे बिल्डिंग में कितनी फैमिली रहती थी छः सात मुंबई में कोई सोसाइटी थी वहाँ पर छः सात लोग रहते थे वो छः सात लोगों ने क्या किया दुकान से सामान खरीदते थे अब ये 600-700 लोगों ने दिमाग लगाया क्या दिमाग लगाया कि यार हम दुकानदार के पास अलग अलग जाते हैं राइट हम दुकानदार के पास क्या जाते हैं अलग अलग जाते हैं और दुकानदार सबको लूटता है तो ये 600-700 जो फैमिलीज़ थी ये सारे कंज्यूमर्स थे ये सारे क्या थे ये सारे कंज्यूमर्स थे इन्होंने बोला कि यार क्यों हम ये मिडिल मैन को सामने रखें इन्होंने बोला कि 600-700 लोग हैं इन्होंने बोला हम हर महीने कितना खर्च करते हैं सब लोग कितना खर्च करते हो राशन खरीदने में आप लोग 500-500 रुपए महीने का तो खर्च करते हो हजार तो खर्च होता होगा कम से कम मुंबई जैसे शहर में तो अगर हम 600 सौ फैमिलीज हैं इंटू वन थाउजेंड रुपीज अगर, अगर अपन खर्च करें तो कितना आता है महीने का छ लाख रुपए का राशन होता है महीने का बोले क्यों हम इस मिडिल मैन से खरीद रहे हैं हम डायरेक्टली मुंबई में क्या करते हैं मुंबई में हम दादर मार्केट जाते हैं जैसे अपने पूना में मार्केट मार्केट रहे हैं वैसे मुंबई में कौन सा मार्केट है दादर मार्केट है होलसेल मार्केट है हम वहां से लेके आते हैं सामान तो इन लोगों ने क्या किया बच्चों ये डायरेक्टली किसके पास गए होलसेलर मैन्युफैक्चरर के पास ये डायरेक्टली गए और कहा कि हम छे महीने में हर महीने छ लाख रुपए का सामान खरीदेंगे हमको डिस्काउंट दो और इनको टेन परसेंट से लेकर ट्वेंटी परसेंट तक डिस्काउंट मिलने लगा तो इन्होंने क्या किया ये छह सौ लोग जहां पे जिस सोसाइटी में रहते थे जो छह लाख रुपए का सामान रख लिया दुकान में रख लिया और उस दुकान से अपने लोगों को जो इनके मेंबर्स थे उनको सामान फ्री में देने लगा कि भाई तूने पांच सौ रुपए तूने हजार रुपए दिए तू हजार रुपए का सामान लेके जा ठीक है डिस्काउंट पे और जो बाकी के लोग थे जो आसपास की सोसाइटी के लोग थे दूसरे लोग थे उनको भी ये लोगों ने क्या किया अपनी सोसाइटी का क्या बना लिया मेंबर बना लिया, और उनको भी सस्ते रेट पे क्या देने लगे सामान देने लगे और ऐसे अपना बाजार चलने लगा बच्चों so, इनका, इनका इनका जो मोटस ऑपरेंडी था इनका जो काम करने का तरीका था वो क्या था इनका इंटेंशन क्या था एलिमिनेट मिडिलमैन लेकिन अभी अपना बाजार फेल हो गया क्यों क्योंकि एमेजॉन फ्लिपकार्ट इन लोगों ने मिलकर क्या कर दिया है बच्चों ऑलरेडी मिडिल मैन को क्या कर दिया है एलिमिनेट कर दिया है एग्जैक्ट डी मार्ट डी मार्ट आने के बाद तो ये अपना बाजार जैसे लोग बिल्कुल खत्म ही हो गए बिग बाजार खत्म हो गया यस नहीं अपना बाजार चल रहा है ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बंद हुआ है बट जो पहले अपना बाजार का ट्रेंड हुआ करता था या जो चलन था वो खत्म हो गया तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव हो गया और कौन सी कोऑपरेटिव बन सकती है बच्चों हाउसिंग कोऑपरेटिव बन सकता है व्हाट हैपेंस इन हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग कोऑपरेटिव क्या होता है बच्चों अलग अलग लोग हैं दस लोग इकट्ठे होते हैं दस दस लाख रुपए जमा करते हैं कितना बन गया एक करोड़ बन गया एक करोड़ रुपए में क्या खरीदते हैं दस लोग इकट्ठे होते हैं जमीन खरीदते हैं एक करोड़ मत देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक करोड़ की जमीन है आप नहीं खरीद पाओगे बट उस एक करोड़ की जमीन को दस, दस, दस लोग पैसे मिला के खरीद सकते हैं उसके बाद क्या करते हैं इस जमीन को क्या करते हैं प्लॉट निकालते हैं दस प्लॉट निकालते हैं बीच में रोड निकाल लेंगे या फिर जमीन से के ऊपर क्या बना देंगे एक बिल्डिंग बना देंगे यस और नो और जितना जितना और जो भी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो सब लोग क्या करते हैं वो सब लोग क्या करते हैं शेयर करते हैं और सबको क्या मिल जाता है एक एक फ्लैट मिल जाता है नहीं आपने बीस लाख रुपए दिए तो आपको कितने फ्लैट मिल जाएंगे दो फ्लैट मिल जाएंगे एंड देन ये लोग फ्लैट बनने के बाद जो सोसाइटी है जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें हर महीने पांच हजार दस हजार हजार रुपए क्या करते हैं मेंबरशिप फीस देते हैं हर महीने जो आपकी हाउसिंग सोसाइटी जो बिल्डिंग है आप उसमें सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज देते हो ना तो ये मेंटेनेंस क्यों देते हो आपकी सोसाइटी में बहुत सारा कॉमन एरिया होता है क्या होता है कॉमन एरिया होता है लिफ्ट होती है इनका बिजली बिल सोसाइटी की कॉमन लाइटिंग होती है उसका बिल कार्प जो भी मेंटेनेंस है तो उसके लिए आप मेंटेनेंस देते हो तो ये क्या है बच्चों हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका पर्पस क्या है धंधा करना या जो उस सोसाइटी में रहते हैं उन लोगों को सर्व करना जो उस सोसाइटी में रहता है उन लोगों को क्या करना सर्व करना एग्जैक्टली क्लियर अच्छा ये जो लोग रेलवे में ट्रेवल करते हैं ये लोग भी ये लोग जो रेलवे के पासिस होल्ड करते हैं वो जो डेली क्या बोलते हैं एमएसटी होल्डर जो जो लोग रेलवे में रेगुलर पास करते हैं उन लोगों ने भी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है ना अगर हाँ रेलवे के जो कस्टमर्स होते हैं उनकी कस्टमर उनकी सोसाइटी है वो कस्टमर सोसाइटी है अगर किसी एक को टीटी ने परेशान किया तो जितने भी उस स्टेशन के जितने भी पास होल्डर हैं पांच सौ सब लोग स्टेशन पे धरना देते हैं गेटिंग माई पॉइंट तो ऐसी ये हो गया बच्चों सोसाइटी का कंसेप्ट ठीक है सो इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो जब आपका पर्पस क्या है को आईस अपने मेंबर्स को सर्व करना और हर एक मेंबर अगर बिजनेस में कंट्रीब्यूट करने वाला है तो आप क्या कर सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो लेकिन कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट के अंदर एक चॉइस है आपके पास कंपनीज एक्ट के अंदर एक क्या है आपके पास एक चॉइस है इंस्टेड ऑफ फार्मिंग सोसाइटी आप प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हो सो कंपनीज एक्ट के अंदर भी एक चॉइस है आपके पास एक कंपनी बना सकते हो आप क्या बना सकते हो आप एक कंपनी और इस कंपनी को क्या कहा जाएगा प्रोड्यूसर कंपनी इसमें कौन इकट्ठे होते हैं सारे प्रोड्यूसर्स इकट्ठे हो सकते हैं ठीक है थीके? तो आपको तो एक मिनट जब आप कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोड्यूसर कंपनी बन जाओगे तो तो कंपनीज एक्ट आपको क्या मानता है अन इनकॉर्पोरेटेड या इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मानता है ठीक है नाउ तो बच्चों पुष्पराज और मैंने मिलकर पुष्पराज और मैंने मिलके हमारे समाज का बहुत बड़ा कल्याण किया बच्चों हम लोग हम दोनों ने मिलके ये बिजनेस को भी सक्सेसफुली नॉट बिजनेस बट सब लोग बच्चों पूरे किसान जो वहां पे भीख मांग रहे थे आज की तारीख में क्या हो गया हर एक किसान पैसे वाला बन गया है हमीरपुर के जितने भी आस के गाँव हैं हर गांव अगर आप घूमने जाते तो एक बड़ी बिल्डिंग दिखती बिल्डिंग के नीचे एक टोयोटा फॉर्च्यूनर पार्क होती है हम लोगों ने ऐसी स्थिति कर दी दस साल में और हमारे पास जो 600-600 करोड़ रुपए थे वो तो अलग ही रखे हुए हैं बच्चों यू गेटिंग माई पॉइंट अब फिर मैंने और पुष्पराज ने सोचा कि यार चलो यार आप कुछ दूसरा बिजनेस करते हैं तो पुष्पराज बोलता है कि सर मेरी बचपन से इच्छा थी एक किराने की दुकान खोलना। मैला कोई नहीं दो किराने की दुकान खुलेगी तो हमीरपुर के एरिया में हमीरपुर के एरिया में दो एरिया हमीरपुर में एक सदर बाजार और एक बाबू बाजार सो so, हमीरपुर में दो एरियाज हैं, एक सदर बाजार है और एक बाबू बाजार है ठीक है सदर बाजार में पुष्पराज ने अपनी किराने की दुकान खोली पुष्पू एंड कंपनी बाबू बाजार एरिया मैंने अपनी दुकान खोली दुष्यंत जैन एंड कंपनी तो हमारी दो किराने की दुकान गई छे सौ करोड़ रुपए हमारे एफडी में रखे हुए वो तो हम आराम से यूज करते हैं हमने बहुत बड़ा घर वर बना के। सब कुछ हम लोग लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम लोग खाली नहीं बैठते so, की शादी भी हो गई थी इसी इसी दौरान पुष्पराज के दो बेटे थे ठीक है ना अब पुष्पराज बच्चों मैं तो मेरा भी अपना काम चल ही रहा था अब यहां पे मैं पुष्पराज के ऊपर फोकस करूंगा सो पुष्पराज हैड टू सन्स, ठीक है और पुष्पराज का ये जो बिजनेस है पुष्पराज का जो बिजनेस है वो चल रहा था किसके अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर पुष्पराज एच सो बच्चों एक और ट्रेडिशनल तरीका है बिजनेस करने का तो so, मैं अगली टाइप की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं विच इज दैट ऑर्गेनाइजेशन जिस अगली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्चुअली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसका जिक्र कहां पे किया गया है जिसका जिक्र किया गया है यस हिंदू सक्सेशन एक्ट में किया गया है एग्जैक्ट exactly? अच्छा तो बच्चों अब हम लोगों के पास या पुष्पराज के पास पुष्पराज का जो बिजनेस है ये वाला जो बिजनेस है ये कैसे चल रहा है ये चल रहा है किसके थ्रू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के थ्रू अब बच्चों एच में क्या होता, क्या होता है क्या होता है क्या नहीं होता आप कुछ फीचर्स मुझे बता सकते हैं एच के तो सबसे पहले सॉरी सबसे पहले पुष्पराज जो है दैट ही विल बी द विल बी द करता तो बच्चों एक चीज याद रखने रखने का एच यू एफ का जो हेड होता है एच यू एफ का जो क्या होता है हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं करता और अगर कर्ता की मान लीजिए डेथ हो जाए तो कर्ता के बाद जो क्या है सेकेंड सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है सेकेंड सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर जो है वो क्या बन जाता है कर्ता की डेथ के बाद जो सेकंड सीनियर मोस्ट फैमिली होता में वॉट व्हाट ही बिकम्स ही बिकम्स ओके तीसरा एक HUF कब तक चलती है हमेशा याद रखिए एक एच दो पीढ़ियों तक चलती है यस yes, यस yes, दो पीढ़ियां मतलब एक पीढ़ी हो गई पुष्पराज की पुष्पराज है पुष्पराज के दो बेटे थे चिन्नी एंड बिन्नी और उसके बाद इन दोनों के दो बेटे थे मतलब इन दोनों का एक एक बेटा था तो ये तीन पीढ़ी तक क्या चलेगी पुष्प की जो है एच वो चलेगी गेटिंग माई पॉइंट अब ये तीन पीढ़ियों के बाद बच्चों पुष्पराज एच यूएफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी डिजोल्व हो जाएगी ठीक है अब ध्यान देखिए अब ये जो मतलब पुष्पराज का ये सन हो गया ये पी हो गए पी मतलब पोते हो गए अब इन पोतों के भी दो बच्चे थे पुष्पराज के ये जो दो पोते थे इन पोतों के भी क्या थे एक दोनों के एक एक लड़के थे तो यहां से क्या हो जाएगी यहां से फिर से क्या चालू हो जाएगी नई एच चालू हो जाएगी इन दोनों में जो बड़ा भाई है वो क्या बन जाएगा करता बन जाएगा याद रखना तीन पीढ़ियों के बाद आपकी एचयूएफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है डिसॉल्व हो जाती ठीक है एच के दो पार्ट होते हैं दो दो टाइप की एचयूएफ होती है एक होती है मिताक्षरा और एक होती है दयाभाग मिताक्षरा नॉर्मली पूरे इंडिया में मिताक्षरा फॉलो होती है मतलब पूरा इंडिया इंक्लूडिंग महाराष्ट्र दिल्ली उत्तर प्रदेश यहां पे क्या होती है मिताक्षरा फॉलो होती है बिहार बिहार में मिताक्षरा भी फॉलो होती है दया भाग भी फॉलो होती है वेस्ट बंगाल और जो सात सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं वहां पे आज भी क्या होती है दया भाग फॉलो होती है नहीं सर मिताक्षा किसी को फॉलो करने कर सकता है यस yes, आपके तरीके से फॉलो कर सकते हो बट यस मोस्टली वहां पे जो ट्रेंड है वो दया भाग फॉलो होते हैं सर दोनों में डिफरेंसेस क्या है बच्चे दोनों में डिफरेंसेस कुछ नहीं है ये जो मिताक्षरा एच है ये थोड़ी सी लिबरल बन गई है समय के साथ लिबरल मतलब इसमें फीमेल्स को भी क्या कर दी गई है एंट्री दे दी गई है इवन फीमेल्स को भी यहां पे को पार्सनर माना जाता है ठीक है Midakshra में इवन फीमेल्स आर कंसीडर्ड एज व्हाट बेटा एज एज को पार्सनर ये आज भी थोड़ी सी कंजर्वेटिव है बच्चों ये आज यहां पे आज भी हम क्या करते हैं फीमेल को यहां पे हम लाइबिलिटी ही मानते हैं एंड फीमेल को हम क्या नहीं करते बच्चों फीमेल को हम यहां पे एंटरटेन नहीं करते फीमेल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ को पार्सनर एक्ट क्लियर नाउ एच में कर्ता जो होता है उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है अनलिमिटेड ध्यान से देखिए कर्ता जो होता है एच में कर्ता जो होता है कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है बच्चों कर्ता की लाइबिलिटी जो है दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ठीक है और बाकी अच्छा एच के जो मेंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं को पार्सनर हम लोग बहुत मरते हैं कि आपको कुछ भी लीगल ऑब्लिगेशन चाहिए या आपको लीगल राइट चाहिए तो यू हैव टू बी मेजर लेकिन एच में द डे यू आर बॉन्ड जिस दिन आपका जन्म होता है आप उसी दिन क्या बन जाते हैं को पार्टनर और आपको भी शेयर मिलना शुरू हो जाता है ठीक है अच्छा अब मैंने बोला मिताक्षरा में तो फीमेल को भी कं, कंसीडर करते हैं दया भाग में क्या होता है व्हाट हैपेंस इन दया भाग दया भाग में जिस दिन फीमेल पैदा होती है उसी दिन से एक प्रॉफिट का एक हिस्सा उसकी शादी के लिए क्या करते हैं रिजर्व करते हैं

केस ऑफ मिस्टर रतिलाल वर्सेस जगीराम हिंदुजा ठीक है हिंदू सक्सेशन एक केस था जिस केस में यह कहा गया कि एक एच यू एफ थी और उस एच एफ ने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न या इनकम टैक्स के में बहुत सारे झोल किए थे तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जेल जाना पड़ा था तो जेल किसको जाना पड़ा पूरे एच यू एफ को या सिर्फ करता गया करता गया सो so, हमेशा याद रखिए एच यू एफ की लाइबिलिटी एच यू एफ का जो करता होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है अगर एच यू एफ अपने लोन रीपे नहीं कर पाती तो किसकी प्रॉपर्टी बिकती है जो प्रॉपर्टीज करता के नाम पे हैं वो प्रॉपर्टीज बिक जाती हैं इज दैट क्लियर सो एच यूएफ में केस ऑफ वॉट बेटा केस ऑफ एच यू एफ ऑफ एच यू एफ यू टू रिमेंबर आपने ये चीजें याद रखनी है कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है अच्छा एच में सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे होती है एचयूएफ इज नॉट अ लीगल एंटिटी लेट मी टेल यू एच यू एफ इज जस्ट लाइक आप मान लीजिए वो सोल प्रोप्राइटरीशिप जैसी है मतलब सोल प्रोपर्टी जैसे मतलब उसको कोई अलग से लीगल स्टेटस नहीं है भले ही हिंदू लॉज में हिंदू लॉज हिंदू लॉज में बोलते हैं कि यू हैव अ लीगल स्टेटस बट को कोई लीगल स्टेटस नहीं है तो बच्चों एच की सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे होती है कर्ता के नाम पर होती है और याद रखिए अगर एचयूएफ के कर्ता को कोई भी प्रॉपर्टी बेचनी है देन ही टू टेक कंसेंट ऑफ एवरी को पार्टनर बच्चों याद रखना अगर एक को पार्टनर ने भी क्या नहीं दिया है कंसेंट नहीं दिया है तो दैट को पार्टनर कोर्ट जाके उस सेल को चैलेंज कर सकता है सो so, करता को अगर प्रॉपर्टी बेचनी है देन ही हैज टू टेक कंसेंट ऑफ होम बच्चों एवरी को पार्टनर का आपको क्या लेना है कंसेंट लेना है इज दैट क्लियर नो लीगल स्टेटस सो यू गेट वॉट बेटा लीगल no स्टेटस कोई भी आपको लीगल स्टेटस मिलने वाला नहीं है आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा इज दैट क्लियर अरे हाँ या ना चलो तो बच्चों ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली सो आज हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात कर ली हम लोगों ने किसके बारे में बात कर ली एच यू एफ के बारे में बात कर ली ठीक है अब बच्चों अब जो मेरा अगला डिस्कशन आपके साथ होगा द नेक्स्ट डिस्कशन दैट आई एल बी डूइंग विथ यू अब बच्चों, 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 बच्चों। अब बच्चों पुष्पराज और मेरी एज हो गई फिफ्टी फाइव ईयर्स की हम लोगों ने अपनी लाइफ में सब कुछ करके देख लिया एक ही सपना रह गया था इलेक्शन लड़ना बीजेपी के टिकट से तो बच्चों पुष्पराज को टिकट मिला हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से पुष्पराज को लोकसभा का टिकट मिल गया भारतीय जनता पार्टी से और दुष्यंत जैन को टिकट मिल गया आजमगढ़ से सपा से समाजवादी पार्टी से <laughs> आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी जीतती है सो so, हम दोनों को क्या मिल गया बच्चों वी बोथ गॉट द टिकट्स ठीक है और बच्चों इलेक्शन हुआ और हम दोनों जीत गए अब हम दोनों जीत गए मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी जो 90 साल के हैं 90 साल की एज में भी फुल ऊर्जा का स्वरूप हैं प्रतीक हैं और योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और पुष्पराज को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस स्टेट बनाया मतलब मेरा जूनियर ठीक है ध्यान सुनना बच्चों मैं और पुष्पराज अब हम लोग एक दिन मीटिंग कर रहे थे अब हम लोगों ने सोचा हम लोगों ने सोचा पुष्पराज बोलता है कि दुष्यंत सर हम लोगों को करप्शन इस देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुष्यंत सर करप्शन ने इस देश को बर्बाद कर दिया मतलब पुष्पराज वो तो है तो पुष्पराज मुझे बोलता है कि दुष्यंत सर अपन एक बॉडी बनाएंगे क्या बनाएंगे एक बॉडी बनाएंगे करप्शन प्रिवेंशन पुलिस ब्यूरो ऑफ इंडिया सीपीपीबीआई प्शन प्रिवेंशन सॉरी कम येस करप्शन प्रिवेंशन पुलिस ब्यूरो ऑफ इंडिया मार पुष्पराज अब तो बना सकते हैं अपन अब तो अपन बना सकते हैं तो बच्चों हम लोगों ने एक कानून बनाया हम लोगों ने एक ड्राफ्टिंग कमिटी हम लोगों ने एक ड्राफ्टिंग कमिटी अपॉइंट की ठीक है ड्राफ्टिंग कमिटी ने एक लॉ बनाया करप्शन प्रिवेंशन पुलिस ब्यूरो ऑफ इंडिया एक्ट दो हजार पचपन आर रिगार्डिंग माई पॉइंट यह कानून बन गया नया कानून बनाया बच्चों और इस कानून के अंदर एक बॉडी की स्थापना हुई है जैसे सेबी एक्ट के अंदर सेबी बनाए वैसे हम लोगों ने एक बॉडी बनाई है सी पी पी बी आई नॉट टेल मी एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ है लोकसभा में और राज्यसभा दोनों जगहों पे यह एक्ट पास हो गया है इस बॉडी का काम क्या है अच्छा यह बॉडी बहुत सारे काम करती है पूरे इंडिया में जितने भी पुलिस वाले हैं उन सब की यूनिफॉर्म भी बनाती है बॉडी उन सब के शूज भी बनाती है उन सब के व्हीकल भी बनाती है प्लस इस बॉडी की एक पुलिस टीम है जो क्या करती है इन्वेस्टिगेशन करती है सर्च करती है सीज करती है और करप्शन के केसेस जहां पे भी करप्शन का केस है वो सीबीआई को नहीं जाता वो सारे केस इसको जाते हैं ठीक है ठीके? अब मुझे बताइए करप्शन प्रिवेंशन पुलिस ब्यूरो ऑफ इंडिया क्या है इज इट अ कंपनी इज इट अ कंपनी क्या ये कंपनी है नहीं है क्या ये पार्टनरशिप फॉर्म है नहीं है क्या ये सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या ये एच यू एफ है ओहे क्या ये एच यू एफ है व्हाट इट इज यस इट्स अ और इसको हमने पावर भी दी है कि करप्शन के केसेस में ये डिसीजन भी दे सकती है तो ये एक प्रकार से ट्रिब्यूनल भी है यस और नो सो ये जो है इसको हम बोलते हैं स्टेटूटरी बॉडी बोल सकते हो स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन बोल सकते हो इज दु तो क्या यह भी बिजनेस कर रही है क्या क्या ये स्टेटूटरी बॉडी बिजनेस कर रही है ये yes, बिजनेस कर रही है पुलिस के कपड़े बना के बेच रही है हाँ लेकिन पे प्रॉफिट के लिए नहीं किसके लिए सर्विस थ मिनिमम प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट मतलब एकदम ना के बराबर कि इसके खर्चे निकल जाए थोड़ा बहुत पैसा ये सरकार को दे दे और लेकिन वहां पर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना क्योंकि अगर पुलिस की, पुलिस की के लिए जो बुलेट प्रूफ बुलेट प्रूफ जैकेट बनते हैं अगर उसमें प्रॉब्लम है तो सीधे गोली पुलिस वाले को लगेगी ठीक है तो हम बेसिकली इसशियल कॉमोडिटीज एक प्रकार से हम पुलिस वालों के लिए देश की रक्षा के लिए हम इसेंशियल चीजें बना रहे हैं ठीक है अच्छा अब मुझे बताइए हमारी जो बॉडी है उसके कैरेक्टर्स क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हमने जो स्टेटुटरी कॉरपोरेशन बनाया है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है अच्छा सबसे पहला बच्चों करप्शन हमेशा होता है जहां पे स... अच्छा ये बॉडी ये बॉडी सरकारी है स्टेटूटरी है स्टेटूटरी लेकिन इस बॉडी के ऊपर कंट्रोल किसका है कहीं ना कहीं भारत सरकार का कंट्रोल है क्योंकि इस बॉडी करप्शन प्रिवेंशन पुलिस ब्यूरो ऑफ इंडिया इसके जो मेंबर्स होंगे जो इसका चेयरमैन होगा वो सारे कौन अपॉइंट करने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करने वाली बच्चों क्या है इसके यहां पे करप्शन होगा क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं कौन इन्वॉल्व है तो करप्शन के चांसेस तो हैं दूसरा बच्चे ये प्रॉपर गवर्नमेंट जैसी होगी या थोड़ी सी फ्लेक्सीबल होगी पक्का क्योंकि यह हंड्रेड गवर्नमेंट नहीं है हंड्रेड गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है इट्स अ अटैटूटरी बॉडी अच्छा इस बॉडी के फंक्शन इसके फंक्शन ड्यूटीज रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये कहां से फिक्स होंगे एक्ट के थ्रू कौन से एक्ट के थ्रू जिस एक्ट के थ्रू हमने इसको क्या किया है जिस एक्ट के थ्रू हमने इसको फॉर्म किया है वो कानून इसके क्या बताएगा इसके सारे फंक्शंस बताएगा रोल बताएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएगा यस और नो बच्चों ओके नाउ व्हाट मोर क्या ना इसे ये सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है, ओ, है ना इसको तो लॉ नहीं क्रिएट किया है क्या परपिचुअल सक्सेशन है इस इस ब्यूरो के अगर चेयरमैन मर गए मेंबर मर गए तो क्या ये ब्यूरो खत्म हो गया या ब्यूरो चलता रहेगा ये ब्यूरो चलता रहेगा yes no? क्या इसके पास कोर्ट जैसी पावर्स हो सकती हैं नहीं डिपेंड करता है जिस लॉ के अंदर ये बना है जिस लॉ के अंदर बना है क्या वो लॉ इसको वो पावर देता है यस ओके वट मोर इसका मकसद क्या है शियल गुड्स को प्रोवाइड करना कौन से प्राइस पे रीजनेबल प्राइस पे क्लियर अच्छा इसमें शुरू की जो कैपिटल लगती है शुरू का जो खर्चा होता है इसका ऑफिस बिल्डिंग बनाने का इनिशियल कैपिटल कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है इनिशियल कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है और वो सब कुछ लॉ में लिखा होता है और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद क्या होता है इसको आत्मनिर्भर बनना पड़ता है इसको थोड़े टाइम के बाद क्या बनना होता है सेल्फ फाइनेंसिंग बनना पड़ता है एक्जैक्ट क्लियर जैसे आपको पता है सेबी को गवर्नमेंट का पैसे नहीं देती सेबी अपना खर्चा क्या करती है खुद निकाल लेती है पेनल्टी फाइनस इनके थ्रू या फिर फीस वगैरह सभी अलग अलग इंटरमीडिएट्स को रजिस्टर करती है तो सभी अपना खर्चा खुद निकाल लेती है ठीक है सो दिस इज ऑल्सो अटैटरी बॉडी सो बच्चों नाउ मुझे एक चीज बताइए अगर मान लो वैसे तो मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं नोट से बट अगर मैं आपको मान लो ना पढ़ाऊं तो भी क्या आप हर एक बॉडी के बारे में लिख सकते हो बस आपको पुष्पराज और मुझे याद करना है कि मतलब ऐसा अगर जीवन हम लोगों ने जी लिया तो अपने नाम पे तो आठ दस किताबें छपेंगी एक महत्वाकांक्षी आत्मकथा चलिए बच्चों सो डिड सो मच ना चलिए चलिए सो विल स्टार्ट थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं एक बार रीड करना शुरू करते हैं तो हम बात करेंगे किसके बारे में अबाउट वॉट वी विल बी डिस्कसिंग सो अब हम बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में सो वी वुड बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन वॉट बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इट इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस इफ एवरी फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस उसके बाद द मेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट लाइज विथ बच्चों ओए कर्ता के पास होता है अपने दादा परदादा लोग ऐसे ही बिजनेस करते थे कर्ता पूरे बिजनेस का क्या होता है कर्ता पूरे बिजनेस का मालिक होता है इफ कर्ता डाइज देन सेकेंड सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर बिकम्स कर्ता इफ सॉरी इफ नहीं है कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइब्रिटी एंड अदर फैमिली मेंबर्स हैव व्हाट बेटा फैमिली मेंबर्स हैल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एचय ऑफ दर्ता है एचयूए को रेग्युलेट कौन करता है बच्चोंट कौन करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट ठीक है पर्सनल लॉ बेटा बेसिकली देर इज नो लिमिट ऑन द मेंबर्स बट टू थिंग्स शुड बी नोटेड इन रिलेशन टू मेंबरशिप सुनिए बच्चों आपके यहां पे मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है लेकिन आपको एक चीज याद रखना है सिर्फ और सिर्फ कौन मेंबर बनेगा सिर्फ और सिर्फ कौन बनेगा फैमिली मेंबर फैमिली के बाहर वाला नहीं बनेगा प्लस द मेंबरशिप इज लिमिटेड टू थ्री जनरेशन ओनली दैट इज इंसान पुष्पराज उसका बेटा और उसका पोता ठीक है ना मेंबर्स आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट बेटा एच यूएफ के जो मेंबर होते हैं आप उनको एच एफ का मेंबर भी बोल सकते हो या फिर आप उनको क्या बोल सकते हो करता को पार्सनर बोल सकते हो एनी को पार्सनर कैन बिकम करता ये ऑनो बचो कोई भी को पार्सनर क्या बन सकता है करता बन सकता है एन अडोप्टेड सन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज को पार्सनर तो एच यू एफ में आपका किसी भाई के बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसने क्या कर लिया अडोप्ट कर लिया तो अडोप्टेड सन भी क्या बन सकता है को पार्सनर बन सकता है ज अ राइट टू रिसीव इक्वल प्रॉफिट एंड इफ ही डाइज हिस्सर को पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट होता है इक्वल शेयर uh, मिलता है इन रियालिटी एच यू एफ इज नॉट अल एंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है बट एज पर हिंदू लॉ एचयू एफ को हमने क्या दिया है सेपरेट लीगल एंटिटी का हमने स्टेटस दिया है अग प्रॉब्लम इन एच यू एफ इज दैट इवन लेजी मेंबर्स कंटिन्यू टू रिसीव प्रॉफिट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट that that they they did not participate in spite of the fact that they did not participate in the business दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द that do not they do not participate in the business ये problem है या नहीं है आप देखते हो गए कई आपने दुकानें देखी होंगी स्पेशली गांव वगैरह साइड दो भाई रहते हैं दुकान खोलेगा कौन बड़ा भाई या छोटा भाई दोनों में से एक भाई दुकान खोलेगा रोज दुकान पे आएगा बहुत मेहनत करेगा एक भाई बिल्कुल ऐश में रहता है दोपहर को ग्यारह बजे दुकान आएगा शाम को पांच उसके बाद तीन बजे घर जाएगा सोने के लिए फिर शाम को छह बजे वापस आएगा छह से आठ बैठेगा चला जाएगा आपको समझ में आ रहा है लेकिन दोनों का शेयर क्या होता है दोनों का शेयर इक्वल होता है एचयूएफ में ये एक प्रॉब्लम है एचयूएफ में कि लेजी जो मेंबर्स होते हैं आलसी जो मेंबर्स होते हैं उनको भी एचयूएफ की प्रॉफिट का क्या मिलता है इक्वल शेयर मिलता है इट इज बेटर देन वॉट बेटा इट इज बेटर देन सोल प्रोप्राइटरशिप एन एन एच यूएफ कैन बी डिजोल्व बाई अल अग्रीमेंट बिटवीन ऑल द को पार्सनर और बाई अ कॉरल बिटवीन होम बचो तो बचो एक एच यूएफ आपको खत्म कैसे करनी है पार्टीशन कॉरल मतलब सॉरी अगर आप क्या कर लो अग्रीमेंट कर लो अग्रीमेंट मतलब पार्टीशन कर लो तीन भाई बाप ने क्या किया तीनों भाइयों को एक एक दुकान दे दी तीन भाई थे तीनों के बीच में क्या था झगड़ा था या दो भाई थे दोनों के भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया तो बाप ने क्या किया दोनों भाइयों को एक एक दुकान दे दी अब दोनों भाइयों को एक एक दुकान मिल गई तो हो सकता है इन दोनों भाइयों की अलग ही क्या हो जाए अलग एच शुरू हो जाए अब ये जो अलग एचयूएफ है क्या इस एच का बाप से कोई लेना देना है नहीं ठीक है ना जो लोग राहुल बाबा की तरह आलसी होते हैं उनको भी पूरा मुनाफा मिलता है ये एक प्रॉब्लम है अब राहुल बाबा कौन है मेरे को नहीं पता ठीक है so, में जो राहुल बाबा की तरह है, आलसी हैं हम इलेक्शन का प्रचार नहीं करेंगे कोरोना का डर है ये वो उनको भी क्या मिल रहा है जो सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करते रहेंगे ट्वीट करते रहेंगे वो भी खुद नहीं करेंगे ट्विटर मैनेज करने के लिए एक बंदा हायर किया जिसको पांच लाख रुपए महीने का देते हैं ठीक है सो so, उनको भी क्या मिलने वाला है बच्चों उनको पूरा फुल इक्वल शेयर मिलने वाला है इफ करता मिसएप्रोप्रिएट द मनी ऑफ एचयूएफ अगर करता ने क्या किया ओए करता ने क्या किया अगर धांधली की मिस एप्रोप्रिएट मतलब पैसों का हेर फेर किया तो क्या होगा इन दिस केस करता इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर सच मनी विच इज मिस्रोप्रिएटेड टू हूम बचो विच इज मिस्रोप्रिएटेड करना उसको टू तो एचयूएफ फ्रॉम हिस पर्सनल अकाउंट देर आर टू टाइप्स ऑफ एच एच के दो टाइप होते हैं पहलाक्षर मिताक्ष में क्या होता है फीमेल को पासनर बन सकती है और दया भाग क्या होता है वेयर फीमेल कैन नॉट बिकम असनर और ये कहां पर फॉलो होता है वेस्ट बंगाल और, और कुछ बिहार के भी कुछ जो जो सीमा वाले क्षेत्र है ये जो बॉर्डर शेयर करते हैं तो उन बिहार के एरिया में भी क्या होता है बच्चों फॉलो होता है बट आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है यू कैन चूज इधर यू कैन चूज मिताक्षरा यू कैन चूज दया भाग आपके ऊपर कोई क्या नहीं है कंपल्शन नहीं है सो बच्चों आज का लेक्चर बस करेंगे प्लीज एक बार रिवाइज करना एंड टुमोरो वी वुड फिनिश दिस चैप्टर विल ऑल्सो डू राइटिंग प्रैक्टिस टुमारो ठीक है चलिए बच्चों